हेलो एंड वेलकम बैक टू तमन्नास चैनल। आज मैं जो डिश बनाने जा रही हूँ वो एक्चुअली जम्मू की डिश है और हाल ही में मैं जम्मू गई थी। एक्चुअली मैं जम्मू की हूँ तो वहाँ जाने पे मुझे जो एहसास हुआ कि जम्मू की बहुत सी डिशेज ऐसी हैं जो इंडिया के बहुत से लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है, तो मैंने वही डिसाइड कर लिया था कि मैं वापस जाकर कुछ जम्मू की डिशेस भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो उनमें से आज मैं एक बनाने जा रही हूँ जिसे कहते हैं घ्यूर। जी, डोगरी में इसे घ्यूर कहते हैं। डोगरी जम्मू की भाषा है। चलिए स्टार्ट करते हैं घ्यूर बनाना। घ्यूर बनाने के लिए हमें केवल मैदा, घी और थोड़ा सा नमक की जरूरत है। ये मैंने एक कप मैदा लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ चुटकी भर नमक। नमक ऑप्शनल है, कुछ लोग इसे डालते हैं कुछ नहीं डालते हैं। और बस हमें इसे बैटर तैयार करना है और ये है हाफ कप। मैं इसी से डालूंगी, थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि मैंने कितना पानी डाला है। और हमें इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, इसमें गुठलियां नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। और इसे खूब अच्छी तरह से फेंटना हो लाइक दिस। इसमें और पानी अभी डालूंगी मैं। देखिए आधा कप मैंने पहले डाला था और अभी इसमें बच गया है, मतलब एक कप से भी कम पानी डाला है मेरा। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में और डाल लेंगे, फिलहाल हम इसे इतना ही रखेंगे। हिलाते हुए हम इसका स्मूथ बैटर तैयार करेंगे और इसमें गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको जितना आप हिलाएंगे उतना फ्लफी बनेगा, उतना लाइट होगा और आपके घ्यूर उतने ही अच्छे बनेंगे। अगर आपकी गांठें पड़ गई हैं तो उनको प्रेस करते हुए सारी निकाल दीजिए। इस तरह से कम 5-6 मिनट इसको चलाइए और उसके बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दीजिए। चलिए हम इसको रेस्ट होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद देखते हैं। ये देखिए लगभग 15 मिनट हो गए हैं मुझे बैटर को तैयार करके रखे हुए। अभी इसको हम थोड़ा सा और हिला लेंगे। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो गया है इसका और बिल्कुल लाइट है। अब हम इससे बनाएंगे क्यूर। एक्चुअली हाथों से ही बनाया जाएगा। इस तरह से ये ऑयल घी मेरा गर्म हो गया है, मैंने देसी घी लिया है। अगर आप चाहें तो आप कोई ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जो भी ऑयल आप खाते हैं। और जब घी गर्म हो जाए तो गैस को मीडियम कर दीजिए और इस तरह से उंगलियों की सहायता से इस तरह से आपको इसमें नेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। ये एक ही तरफ से पकते हैं और जब इस तरह से बन जाए तो आप इसकी आउटलाइनिंग करिए, साइड में बाउंड्री बनानी है इसकी इस तरह से लाइक दिस। और इसको एक ही तरफ से पकाते हैं, दोनों तरफ से नहीं पकाएंगे। अभी इसको थोड़ा सा पकने दीजिए। जम्मू जो है वो जम्मू डिवीजन का सबसे लार्जेस्ट सिटी है और इट इज एक्चुअली सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तवी रिवर। आपने अक्सर देखा होगा रेलवे स्टेशन में जम्मू तवी लिखा है। तवी क्या है? वहां की नदी का नाम है। एंड जम्मू जो है हम सबको मालूम है इज फेमस फॉर टेम्पल्स, इसीलिए उसे
सिटी ऑफ टेंपल्स भी कहते हैं, हमारी किताबों में भी पढ़ाया जाता है जम्मू इज अ सिटी ऑफ टेंपल्स। उसे सिटी ऑफ टेंपल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत से टेंपल्स हैं। वैष्णो देवी को तो सभी लोग जानते हैं, उसके अलावा वहाँ पे और टेंपल्स भी हैं जैसे बागे बहु टेंपल है, रघुनाथ टेंपल है और इस तरह से बहुत से टेंपल्स हैं। अभी ये हमारा जो है क्यूर ऑलमोस्ट बन गया है, इसे थोड़ा सा मैं और क्रिस्पी होने दूंगी, ये देखिए इस तरह से, और इसे फिर मैं निकाल लूंगी। कहते हैं कि जम्मू जो है वो 14th सेंचुरी में इट वॉज फाउंडेड बाय अ किंग नेम्ड राजा जम्बू लोचन, और उन्हीं के नाम से जम्मू शहर का नाम रखा गया। जम्मू में एक हिल स्टेशन है जिसे पत्नी टॉप कहते हैं, जो लगभग इट्स नियर अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम जम्मू सिटी। मैं आपको जम्मू के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप सब भी जम्मू जाएं और वहां की हसीन वादियों में घूम कर आए। जम्मू बहुत सुंदर सिटी है। लीजिए ये हमारा बनकर तैयार है, अब मैं इसे निकाल दूंगी। मैचिंग प्लेट लिए मैंने जानबूझकर ये कलर लिया है ताकि आपको क्यूर का शेप ठीक से नजर आए। एक और बना लेते हैं। मैं राउंड प्लानिंग कर दूंगी। इसको एक्चुअली डीप फ्राई किया जाता है, आप लोग इसको कढ़ाई में भी बना सकते हो लेकिन मैंने तवे में बनाया है। बिल्कुल गोल गोल बन रहे हैं और इसको देख के मुझे मोहम्मद रफी का गाना याद आ रहा है, चौदहवीं का चांद हो तुम या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो तुम। आई नो आई एम वेरी बैड एट सिंगिंग, लेकिन जो हमारे क्यूर हैं बिल्कुल चौदहवीं के चांद की तरह हैं। थोड़ा ठंडा सा लग रहा है मुझे, देखिए बिल्कुल गोल चांद की तरह बने हैं। चलिए हमारा ये भी बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा नहीं पूरा का पूरा चांद। इसी तरह से गैस कर देते हैं बंद, हमारे क्यूर बनकर तैयार हैं। इसे जम्मू में तो लोग कुछ लोग देसी घी और चीनी के साथ खाते हैं, कुछ आलू की सब्जी के साथ खाते हैं। आप किसके साथ खाना पसंद करेंगे ये आप पे छोड़ा, लेकिन इसे बनाइएगा जरूर और खाइएगा जरूर और खिलाइएगा जरूर। इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ, सी यू सून।